सर, विवेक राम चौधरी जब से भारतीय वायुसेना के चीफ बने हैं, उन्होंने MRFA प्रोग्राम के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने MRFA को इतना ज्यादा पुश किया कि हमारे CDS साहब स्वर्गीय रावत साहब को ये कहना पड़ा कि हमारे पास चूंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के बहुत ही ज्यादा शानदार एक्यूरेसी वाले एयर डिफेंस सिस्टम चूंकि हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर यथार्थ देखा जाए तो भारतीय वायुसेना में फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा कमी है। आपको याद होगा कल का वीडियो जब हमने बात की थी MRFA प्रोग्राम में F-15 की भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। उस समय हमने बात की थी कि भारत के पास इस समय 30 से 32 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी हमें चाहिए कम से कम 42। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ ही सालों में अगर पॉसिबल हो तो आज ही हमने रिटायरमेंट की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम लोग रिटायरमेंट ईमानदारी से करते हैं हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को, तो 10 से 12 स्क्वाड्रन यूं ही खाली हो जाएगी, तो बचेगी हमारे पास आधी ही, यानी 15 से 20 स्क्वाड्रन के लगभग हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे हैं इस समय जो कि कुछ हद तक युद्ध कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से भी अगर आप 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट देखेंगे तो आपको केवल राफेल के अलावा कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि हमारे लिए इस समय MRFA प्रोग्राम बहुत जरूरी है। नो डाउट कि हमारे कई सारे खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि काफी जल्दी आ भी जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि MRFA अगर हम लोग आज करते हैं और उसकी डिलीवरी जिस दिन शुरू होगी उस दिन से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट शायद मास प्रोडक्शन में जाएंगे, और वो भी उनमें से आधे। तो कहने का मतलब इस समय भारत के पास केवल और केवल MRFA ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो कि हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप ताकतवर होते हैं ना तो उसके बाद शांति अपने आप आ जाती है, आपके दुश्मन आपकी तरफ टेढ़ी नजर करके न देखें, इसके लिए आपको अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अभी दोस्तों रिसेंटली संसदीय बोर्ड से हमारी वायुसेना की एक मीटिंग आयोजित होती है, यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने वही सारी बातें संसदीय बोर्ड को बताई जो कि मैंने अभी आपको बताई, यानी जितनी भी कमियां हैं, जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रख दी है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन चिंता हमारी यहाँ पर 2x तब बढ़ जाती है जब हमें ये पता चलता है कि चाइना इस समय 85 के नंबर्स में पर ईयर फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सेना में शामिल किए जा रहा है, जिसमें 4.5 जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की J-20 तक शामिल है। अभी 85 की संख्या में वो हर साल इंडक्ट कर रहा है, तो सोचिए इसका नतीजा क्या हो सकता है। वैसे कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि टू फ्रंट वॉर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो वैसे ही नहीं कुछ है, जो कुछ भी है वो चाइना के पास ही है। अब चाइना सभी फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके हमारे साथ एक फ्रंट का वॉर करे या फिर आधे पाकिस्तान को देकर टू फ्रंट वॉर करे, तो हाँ ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन फिर भी 85 का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। हो सकता है कि आने वाले समय में टेंशन अगर बढ़े तो वो 85 को भी और इंक्रीज कर दे, थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर दे अपनी कैपेबिलिटी को। ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे क्या? तो दोस्तों इसका एकमात्र ऑप्शन ये है कि हम कम से कम 50 फाइटर एयरक्राफ्ट हर साल शामिल करें हमारी एयरफोर्स में। फिर इसमें अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए। MRFA प्रोग्राम की बात की जाए तो राफेल F-4 या फिर F-15 Eagle 2, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बार्गेन कर लीजिए ताकि इनकी डिलीवरी हमें समय पर होती रहे। तो कुछ ये हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे तेजस Mk-1A हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाए। केवल 83 की संख्या में हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन दोस्तों देखिए 2024 से उसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और खत्म कब होगा? 29 में। ये बहुत लंबा समय हो गया है। उसके बाद नंबर आता है तेजस Mk-2 का और MCA का, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए भी हमने अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि जब MCA और तेजस Mk-2 मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएं, उस समय किसी भी तरह की कोई गड़बड़ निकल कर सामने ना आए। वैसे MCA के लिए दिखाई भी दे रहा है कि हमने काफ़ी प्राइवेट कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व किया है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत हमें है और हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वायुसेना ने इसी के साथ साथ अपना बजट बढ़ाने के लिए भी कहा है। ऑब्वियसली इतने सारे इक्विपमेंट्स अगर एक साथ हम लोग खरीदते हैं तो बजट तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लोकेट करना ही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और प्रश्न उठा सकते हैं कि जब चाइना 85 के नंबर्स में हर साल इंडक्ट कर रहा है तो फिर हम लोग 50 से कैसे एडजस्ट करेंगे? इवन पाकिस्तान भी तो एक्स्ट्रा में है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि चाइना केवल नंबर्स में बिलीव करता है, उसे क्वांटिटी चाहिए, उसे क्वालिटी नहीं चाहिए। हमने जिन जिन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जो कि भविष्य में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, वो सारे क्वालिटी फुल है। अभी अगर हम लोग राफेल की ही बात करें तो एक राफेल 2.5 SU-30 MKI के बराबर का है। और मैं आपको बता दूं कि चाइना की एयरफोर्स में कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी XYZ, वो SU-30 MKI से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। एक आप SU-35 को हटा दीजिए जो कि उसने रशिया से खरीदे हैं, क्योंकि चाइना की सारी रिवर्स इंजीनियरिंग है, उसकी गुणवत्ता हम लोग जानते हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। 50 इनफ हो गए, लेकिन एटलीस्ट इतने तो चाहिए ही चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।